Welcome to my YouTube channel. So today we will be learning about thermoregulation and vital signs. So we will be completing the topic one by one. So first of all, we will see the definition of thermoregulation. That is, thermoregulation is a process that allows body to maintain its core internal temperature. तो क्या होता है थर्मोरेगुलेशन में, क्या होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी कोर इंटरनल टेम्परेचर से मैच करने की कोशिश करती है और मेंटेन करती है हमारे बॉडी का टेम्परेचर. देन क्या होगा, थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म आर डिजाइन टू रिटर्न बॉडी टू होमियोस्टेसिस. तो क्या होता है, इस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी होमियोस्टेसिस में रिटर्न करती है, दैट इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइंस. सो व्हाट आर वाइटल साइंस? Vital signs are the indicators of the body's physiologic status and response to physical environment and psychological stress. तो क्या होता है, जब भी हम हमारी बॉडी को कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो जाता है तो उसका रिजल्ट हमारे बॉडी के वाइटल साइंस थ्रू दिखने लगता है. जो जो वाइटल साइंस है हम देखेंगे, सबसे पहला वाइटल साइन है बॉडी टेम्परेचर. Pain scale, as you can see the pain scale, fifth one. Then vital signs are person's body temperature, pulse, respiration and blood pressure. तो इसको हम short form में बोलेंगे TPR and blood pressure. Then इसका guidelines देखेंगे vital signs लेने के लिए. जो guidelines important है, that is, first is nurse caring the client must take vital signs. सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी नर्स किसी पेशेंट का केयर ले रही है उसे पेशेंट के वाइटल साइंस के बारे में पता होना चाहिए और रेगुलर टाइम पे वाइटल साइंस लेना चाहिए. देन इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड फॉर चेकिंग वाइटल साइंस मस्ट बी इन वर्किंग कंडीशन. तो क्या होता है, कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि BP इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर थर्मोमीटर ठीक है कि नहीं. तो हमें चेक करना है वाइटल साइन लेने से पहले कि इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन और नॉट. देन द नर्स शुड हैव up to date knowledge to identify normalities and abnormal values of the vital signs. So, jab ek nurse properly educated hogi about the normal and abnormal values of the vital signs, so she can correlate and compare the values. So, hame pata chal sakta hai ki patient ko fever hai ya nahi, ya tachycardia hai nahi. So, next is normal ranges in some patient may vary according to age, occupation and etc. तो क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज पेशेंट में वेरी होता है. जैसे कि एक ओल्ड एज का पल्स रेट हमेशा एक नॉर्मल अडल्ट से बहुत हाई होगा, तो उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अबनॉर्मल वाइटल साइंस है. देन नर्स शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एंश्योर अक्यूरेट रीडिंग ऑफ द वाइटल साइन. देन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हमें सीनियर नर्स एज वेल एज द कंसर्न फिजिशियन, अगर हमें वाइटल साइंस में कुछ चेंजेस नजर आए कि अबनॉर्मलिटीज है, तो हमें तुरंत हमारे फिजिशियन या सीनियर नर्स को इन्फॉर्म करना है. देन वी विल सी कि इसके पर्पसेस क्या है, वाइटल साइंस हम क्यों लेते हैं. फर्स्ट इज टू डिटरमाइन चेंज इन क्लाइंट कंडीशन. क्लाइंट के कंडीशन में अगर चेंज हो तो वो डिटरमाइन करेगा वाइटल साइंस से. देन रिकोगनाइज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो वेरी हो रहा है नॉर्मल से अबनॉर्मल हो रहा है तो इससे हमको पता चलेगा. देन टू हेल्प फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब राइट ट्रीटमेंट. अगर हम फिजिशियन को बताएंगे कि पेशेंट को फीवर आया है तो वो उसके ऊपर राइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं. देन वी विल सी व्हेन टू असेस वाइटल साइंस. तो वाइटल साइंस कब कब असेस करना है नर्स को, तो ऑन एडमिशन टू हेल्थ केयर एजेंसी और इंस्टीट्यूशन. जब पेशेंट एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में तभी सिस्टर को वाइटल साइंस लेना है. देन बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स. तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज होती है, कोई हॉस्पिटल में 2 आवरली लेते हैं, कोई हॉस्पिटल में 4 आवरली, तो इट इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू दैट. देन एनी टाइम देर इज अ चेंज इन पेशेंट कंडीशन, अगर पेशेंट की कंडीशन में कभी भी चेंज हो रहा है तो हमें फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना है, हमें वाइटल साइंस देखने हैं पेशेंट के. देन बिफोर और आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर. बिफोर क्यों, क्योंकि सर्जरी के पहले हमेशा पेशेंट नर्वस होते हैं, तो उनका हो सकता है कि पल्स रेट हाई हो जाए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और सर्जरी के बाद भी हमें वाइटल साइन लेना है. देन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन दैट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन.
तो जो भी मेडिसिन्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो वो मेडिसिन्स देने के बाद हमें वाइटल साइंस चेक करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मो रेगुलेशन एंड वाइटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।